Hey guys, welcome to Planet Bollywood. Well, we are here to give you the latest lowdown on the Bollywood updates, social media buzz, glamour and fashion. Main hu Sagarika Chetri. Hello everyone, I'm Kunal Saluja. But before moving ahead, let's have a look at the headlines. Arbaaz ki jagah ab Salman karenge Dabangg franchise ko produce. Anurag Kashyap ne kaha, wo apne director friend Vikas Bahl se nahi hai talking terms mein. Swara Bhaskar ne kis director ka Twitter account karwaya block. Mahesh Bhatt ne kaha, substance abuse hai Bollywood mein aam baat. Anurag Kashyap ne kaha that he and Vikas Bahl are not in talking terms, but they will not stop making films. Come, let's have a look at this complete story. Sexual harassment accused Vikas Bahl ke saath unke business partner Anurag Kashyap nahi hai talking terms mein. Anurag ka kehna hai ki wo Vikas ke saath kaam to karenge, lekin sexual harassment accusation ki wajah se wo Vikas ke saath baat nahi karna chahte. Halanki Anurag ka ye bhi kehna hai ki wo Vikas ko kisi tarah se uncomfortable nahi karna chahte hain. Lekin ab is baat ka dhyan rakhenge ki ye dono different setups par hi kaam kare. Well, Saga, Vikas Bahl और अनुराग कश्यप ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम किया है, कमाल के प्रोजेक्ट्स बनाए, फॉर एग्जांपल हसी तो फसी, क्वीन एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. लेकिन अब जो करंट सिनेरियो है विकास बहल और अनुराग कश्यप के बीच में, वो कुछ इस तरह से है कि अनुराग कश्यप एक तो कोई पर्सनल रिलेशनशिप रखते नहीं है विकास बहल के साथ, ही इज नॉट इन अ टॉकिंग टर्म विद हिम. प्रोफेशनली जो भी काम करते हैं दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, अब दोनों एक साथ काम नहीं करते. राइट, एग्जैक्टली. और ये जो एलिगेशन लगा था उन पर कि सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया, ऑफकोर्स इस पर लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है, बट उसने जरूर रिलेशनशिप्स को खराब किए हैं फैंटम फिल्म्स में. एंड लाइक यू सेड, डिफरेंट सेटअप्स में काम करते हैं. And they actually sit in different offices. जब विकास बहल से कहा गया कि यू नो यू हैव टू स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोजिशन, और जब वो ऑफिस आने लगे किसी प्रोजेक्ट के लिए, अनुराग कश्यप एक्चुअली डिडंट कम फॉर ऑफिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ही यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम. सो दिस इज वॉट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो एट फैंटम फिल्म्स, एंड इट्स क्वाइट सैड बिकॉज क्रिएटिविटी talent wise we had some great films from them. Aur abhi Sacred Games mein Vikram Aditya Motwani and Anurag Kashyap came together, and what a masterpiece they made. So ऑफकोर्स ऑडियंस के लिए तो एक लॉस है, बिकॉज उन दोनों की क्रिएटिविटी साथ नहीं आ पाएगी. सागर, यहाँ पे एक अच्छी चीज जो बॉलीवुड के बारे में इन टुडेज एरा, इन 21st सेंचुरी, ये दिख रही है कि बॉलीवुड हैज नाउ स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव. नो मैटर आपका फ्रेंड है या फिर आपका कोई दुश्मन है, अगर फ्रेंड है उसने भी गलत किया है तो बॉस आपने गलत किया है, आप मेरे फ्रेंड हो, मैं इसलिए आपको सपोर्ट नहीं करूंगा भले आप चाहे कितनी गलतियां करते रहो. और इसका एग्जाम्पल दिया है मिस्टर अनुराग कश्यप ने. राइट, एंड एवरीबॉडी मस्ट स्टैंड फॉर थिंग्स लाइक दैट. इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर इट, देन यू नो there is a big question mark on your existence on a whole. So ye bahut achhi baat hai, and it's nice to see something like that happen in Bollywood. फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू के डायरेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने अपने एक और प्रोजेक्ट जैस्मिन के लिए किया था ऐश्वर्या राय बच्चन को अप्रोच, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस की डिमांड की वजह से फिल्म को करना पड़ा पुश. लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्स. ऐश्वर्या राय बच्चन की अपकमिंग फिल्म जैस्मिन फिलहाल आने वाले कुछ समय तक नहीं होने वाली है स्टार्ट. दरअसल ये फिल्म एक सरोगेट मदर पर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म की स्क्रिप्ट में ऐश्वर्या ने कुछ चेंजेस की डिमांड की थी, और उसके बाद से ही ये फिल्म डिले होती जा रही है. इस फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना है कि वो तो इसको प्रोड्यूस करने को रेडी हैं, लेकिन डायरेक्टर्स के बिजी होने और ऐश्वर्या के बताए चेंजेस की वजह से फिलहाल कुछ समय तक ये फिल्म फ्लोर पर नहीं जाने वाली है. तो फिल्म जैस्मिन ऐश्वर्या राय बच्चन को की गई थी ऑफर, लेकिन ये स्क्रिप्ट रेडी होने से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया दैट यू नो ऐश्वर्या राय बच्चन इज गोइंग टू बी द एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म. और जब ये स्क्रिप्ट रेडी हुई और ऐश्वर्या के पास ले गए, सो शी डिमांडेड इन मे आई गेस द आर्टिकल वॉज आउट वेयर शी डिमांडेड अ चेंज इन द स्क्रिप्ट एंड ओनली देन शी वुड गिव अ ग्रीन सिग्नल. और वो डेफिनेटली डिले होती गई बिकॉज ही इज डायरेक्टिंग बत्ती गुल मीटर चालू. तो कितना सही है स्क्रिप्ट रेडी होने से पहले ही आप एक्टर्स का नाम अनाउंस कर देते हो, एंड ऑफकोर्स देन द फिल्म एंड द प्रोजेक्ट फेसेस द ब्रंट ऑफ इट बिकॉज एक्सपेक्टेशन हो जाती है. देन यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मैन. आई मीन फॉर एग्जांपल जिस एक्टर के पास सबसे पहले गए हो स्क्रिप्ट, उन्होंने हाँ नहीं बोला है उससे पहले ही आपने उनका नाम अनाउंस कर दिया है, उसके बाद क्या होता है बाद में उस एक्टर को पसंद नहीं, उन्होंने स्क्रिप्ट छोड़ी, फिर दूसरा एक्टर, कुछ लोगों के ना ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छा इसने छोड़ दी, कंपैरिजन स्टार्ट पहले पहले उसके पास गए थे, पहले मेरे पास नहीं है ना, मुझे भी नहीं कर दिया. फिर उसके बाद एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर पिक्चर आपकी हिट हो गई तो अच्छी बात है, अगर पिक्चर आपकी फ्लॉप हो गई
तो जिस एक्टर को सबसे पहले ऑफर हुआ तो मैंने इसीलिए छोड़ दी थी यार, मुझे स्क्रिप्ट ही नहीं पसंद आई थी। राइट, तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक्चुअली डिमांड की है कुछ स्क्रिप्ट में चेंजेस। दिस मूवी इज ऑल अबाउट अ सरोगेट मदर एंड हर चाइल्ड यू नो रिलेशनशिप उस पर है, और कहा जा रहा है दैट गुड न्यूज जो करण जौहर ने अनाउंस की है इट्स ऑन द सेम लाइन, इट हैज अ सिमिलर स्टोरी लाइन। बट सिद्धार्थ सिंह सेज यू नो इस टॉपिक को आप बहुत सारे एंगल्स में दिखा सकते हो, देन दैट्स फाइन, लाइक सुल्तान एंड दंगल। जैसे कि दंगल और सुल्तान की अगर बात करें, मूवीज की बात करें, तो उसमें दोनों ही कुश्ती लड़ने वालों पर बेस थी, बट दो अलग अलग स्टोरीज निकल के आई। वैसे ही सिद्धार्थ सिंह कहते हैं दैट यू नो दिस टॉपिक कैन बी शोन इन डिफरेंट एंगल्स। वेल, जहां तक सरोगेसी की बात कर रहे हैं, तो सागर रिमेंबर एक पहले भी मूवी बन चुकी है इस टॉपिक पे, जिसमें सलमान खान थे, रानी मुखर्जी, प्रीटी जिंटा, एंड बहुत ही कमाल की पिक्चर थी वो। एंड आई एम प्रीटी श्योर अब भी जब बनाएंगे तो कुछ कमाल का ही कॉन्टेंट निकल के आएगा सामने। After a shameful tweet by director Vivek Agnihotri, Twitter as a social media platform asked him and forced him to take his tweet down and locked his account. Let's tell you what the tweet was all about and what exactly happened. Actress Swara Bhaskar ne filmmaker Vivek Agnihotri ko social media par sikha diya sabak. दरअसल स्वरा ने एक नन रेप के इशू पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट उनके सपोर्ट में कर रही थी, और इस पर विवेक अग्निहोत्री ने एक अब्यूजिव ट्वीट किया, जिसके बाद स्वरा ने सोशल मीडिया जायंट ट्विटर को इस बात की जानकारी दी और फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री के अकाउंट को लॉक करवा दिया। सागर, यू नो व्हाट, आई फील बैड फॉर पीपल लाइक मिस्टर विवेक अग्निहोत्री विद सच अ बैड माइंडसेट। एक महिला हैं, एक नन है, जिनके जो रेप विक्टिम रह चुकी हैं, बहुत समय से कंटिन्यूसली उनके साथ हो रहा था, फाइनली उन्होंने हिम्मत जुटाई, सामने आई, उन्होंने सबके सामने बताया दैट यू नो उनके साथ ऐसा हो रहा है, एंड देन मिस्टर विवेक अग्निहोत्री ही मेक्स फन ऑफ दैट लेडी, फन ऑफ द मोमेंट, हैशटैग मी टू मोमेंट। इट इज अनबिलीवेबल, इट इज शेमफुल, आई कांट बिलीव सच अ पर्सन हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, हैज डायरेक्टेड मेनी फिल्म्स, have worked with so many women, and is very well aware, literate, you know, these are not trolls, these are responsible people and human being who have a blue tick next to them. And director Vivek Agnihotri goes on to say, people like Mr. Vivek Agnihotri are a big disgrace to the Bollywood film industry, and hashtag me too moment start hua tha Hollywood se, jahan sexual harassment agar kisi ka hua hai to wahan pe Hollywood actresses samne hai, unhone bataya hamare saath bhi hua hai, sabne milke is moment ko start kiya, aur jisne kiya tha uske khilaf action liye gaye, ऐसे ही कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने भी स्टार्ट किया। एक तो आप इस मूवमेंट का मजाक बना रहे हो, कुनाल, आई एम ग्लैड टू स्टॉप यू देयर, ये सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ा रहे हैं, ही इज एक्चुअली अब्यूजिंग अ वुमन, ही इज एक्चुअली अब्यूजिंग अ रेप सर्वाइवर, एंड द चैलेंजेस दैट वुमेन आर फेसिंग, दे आर कमिंग आउट इन द ओपन एंड टॉकिंग अबाउट इट, एंड यू आर ट्राइंग टू टारगेट दैट। वही स्वरा भास्कर, जहां पर शी इज यू नो काइंड ऑफ सपोर्टिंग दिस होल इंसिडेंट, जहां एक केरला एमएलए पीसी जॉर्ज ने एक बहुत ही डिस्गस्टिंग और शेमफुल ट्वीट किया था, यू नो you've been enjoying it for 12 times, the nun was raped 13 times is what the reports say, so he says you've enjoyed it for 12 times and 13 time is rape, and he's actually targeting the nun who has spoken about it. The worst part is these kind of people are running the country, exactly, and jab Swara Bhaskar ne uske against is par awaaz uthai aur support kiya to the nun, yahan par director Vivek Agnihotri, who's from the Bollywood industry, tries and targets Swara Bhaskar, aur ye abhi nahi पहले का भी इनके बीच में there has been a sour tweet exchange against them, जहां पर स्वरा ने ओपन लेटर लिखा था संजय लीला भंसाली के अगेंस्ट, एंड that's when विवेक अग्निहोत्री also targeted स्वरा भास्कर that time, but वो बात कुछ और थी, that was about films, that was about your perception, here you're talking about a social trauma that women face, अब यहां पर कैसे टारगेट कर सकते हो किसी को? एंड यू नो आई लिटरली रिक्वेस्ट द बॉलीवुड जायंट्स टू जस्ट लाइक ट्विटर हैज डन, ट्विटर हैज ब्लॉक्ड हिज अकाउंट जस्ट बिकॉज स्वरा टुक द इनिशिएटिव एंड शी हैज ट्विटर पीपल टू ब्लॉक हिज अकाउंट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी टू एक्चुअली लॉक हिम फ्रॉम बॉलीवुड, बिकॉज दीज काइंड ऑफ पीपल विद सच अ बैड माइंडसेट, दे डोंट डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। एग्जैक्टली, एंड व्हाट ट्विटर डिड टुडे, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज उन्होंने इमीडिएटली ये एक्शन लिया, इमीडिएटली दे आस्क्ड him to take his tweet down, locked his account, and that's exactly what you need to do for people who go out there and talk nonsense on social media. फिल्म दबंग 3 को अब अरबाज खान नहीं बल्कि खुद चुलबुल पांडे और सलमान खान करेंगे प्रोड्यूस। लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्स।
सलमान खान की हिट फिल्म दबंग के थर्ड पार्ट को कर सकते हैं सलमान खान प्रोड्यूस। अब तक दबंग और दबंग 2 को अरबाज खान ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन अब सलमान खान के बैनर में इस फिल्म को बनाने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्टेडली सलमान खान के बिजी स्केड्यूल की वजह से अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि सलमान इस वीक में अरबाज को टाइम देंगे और फिर क्लियर होगा कि सलमान या अरबाज कौन करेगा इस फिल्म को प्रोड्यूस। So looks like Salman Khan films jo hai that's really trying to expand. Obviously we knew ki unhone ab distribution rights bhi le li thi with Race 3 aur ab Arbaaz Khan, Sohail Khan and Salman Khan I think are reportedly going to come together and make this one banner that's SKF films. You know I personally feel aisa hona bhi chahiye yaar, ek ghar mein 3 din alag alag banner kholne ka kya fayda jab ek bade banner ke andar aap producer, distributor sab ban sakte hain. Exactly. Aur distributor ban hi chuke hain Mr. Salman Khan. And business wise भी ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा एंड दे ऑल थ्री कैन वर्क टुगेदर एंड वन मैन अलोन सलमान खान कांट हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज़ ही इज आल्सो द फेस ऑफ द मूवी सो एग्जैक्टली इट मेक्स सेंस इफ अरबाज एंड सोहेल कम टुगेदर एंड दिस बिकम्स वन बिग हैप्पी फैमिली पर अगर बात करें दबंग की इट्स बीन अरबाज़'स बेबी वी नो दैट अरबाज खान हैज बीन रियली क्लोज टू दिस प्रोजेक्ट एंड नाउ लुक्स लाइक सलमान खान फिल्म्स के अंडर आएगी यू थिंक दैट दिस इज रियली गोना हैपन हो सकता है क्योंकि जब भाई कुछ बोलते हैं उसके बाद बाकी भाई मना नहीं करते बट उनको अपेरेंटली बिग बॉस के वजह से और भारत की शूटिंग के वजह से दे हैवंट बीन एबल टू सिट डाउन एंड डिस्कस की एग्जैक्टली क्या होगा फ्यूचर दबंग 3 का बट आई एम वेरी एक्साइटेड एज़ फार एज़ द फिल्म रिलीज़ सो दबंग 3 के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर बिग बॉस के बाद और भारत के तुरंत बाद अगर शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो फिर शायद पिक्चर की शूटिंग नेक्स्ट ईयर पे टल जाएगी और उसके अलावा दबंग 3 में ये भी कहा जा रहा है दैट शायद इसे प्रभु देवा डायरेक्ट कर सकते हैं एंड मिस्टर प्रभुदेवा ने बहुत कमाल के हिट्स दिए हैं सलमान खान के साथ भी वैसे अगर सलमान खान फिल्म्स की बात करें प्रोडक्शन हाउस बैनर की तो इसके अंडर भी बहुत सारी मूवीज सलमान खान बना चुके हैं एज कम्पेयर टू अरबाज खान एंड सोहेल खान द सुपर डुपर हिट बजरंगी भाईजान उसके बाद रिसेंटली रेस 3 हुई थी उससे पहले उन्होंने ट्यूबलाइट हीरो काफी सारी फिल्म्स लव रात्रि भी आ रही है भारत भी आ रही है सो बेस्ट ऑफ लक टू सलमान खान फिल्म्स एंड वी वुड रियली लव टू सी यू वंस अगेन इन द चुलबुल पांडे अवतार महेश भट्ट ने डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड पर की खुलकर बात और कहा कैसे सब्सटेंस अब्यूज और डिप्रेशन है एक बहुत बड़ी रियलिटी बॉलीवुड में। महेश भट्ट ने फिल्म इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी रियलिटी को अपने एक बयान से सबके सामने लाकर रख दिया है। महेश भट्ट का कहना है कि एक्टर्स की जॉब इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि वो सब्सटेंस अब्यूज के शिकार हो जाते हैं। साथ ही उनका कहना है कि एक्टर्स डिप्रेशन में जाकर सुसाइड तक कर लेते हैं। महेश भट्ट एक लंबे इंतजार के बाद अपना बॉलीवुड एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं विद द मूवी डार्क साइड ऑफ लाइफ मुंबई सिटी और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया दैट यस सब्सटेंस अब्यूज डिप्रेशन ये सब बॉलीवुड का डार्क साइड है जो लोग बॉलीवुड में आते हैं दे ओनली सी दी यू नो ग्लैमर साइड ग्लिट्जी साइड ऑफ बॉलीवुड की जाएंगे बहुत नाम मिलेगा बहुत शोहरत मिलेगी लेकिन एक डार्क साइड भी है वही इस मूवी के जरिए वो दुनिया को बताना चाहते हैं और उन्होंने बताया दैट यस सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेल्स इन बॉलीवुड राइट एंड मोस्टली नोबडी टॉक्स अबाउट इट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज दैट यू नो अल्कोहल एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड यू नो बी इट टेकिंग ड्रग्स और इवन स्मोकिंग फॉर दैट मैटर पीपल आर कंटिन्यूसली काइंड ऑफ ग्लूड टू इट दे आर कंटिन्यूसली एडिक्टेड टू इट और क्यों ना हो बिकॉज लाइक महेश भट्ट सेड इतना स्ट्रेसफुल जॉब है कंटिन्यूसली यू वॉन्ट पीपल टू लाइक यू यू वॉन्ट पीपल टू लाइक यू द वे यू लुक द वे यू एक्ट द वे यू डायरेक्ट द वे यू कट ट्रेलर्स तो कॉन्स्टेंटली अगर आप लोगों को लाइक कराना चाहते हो कि आप क्या काम कर रहे हो यू आर पुट अंडर प्रेशर अंडर स्कैनर एंड इट्स लाइक एन एग्जाम एवरी टाइम सो इतने हाई स्ट्रेस के जॉब में इट्स वेरी कॉमन फॉर पीपल टू काइंड ऑफ गेट addicted to drug abuse and substance abuse. But यहीं पे हमारे पास कुछ ऐसे Bollywood celebs भी हैं जिन्होंने एक example set किया है कि चाहे कुछ क्यों ना हो वो आज भी they are like you know 100% clean they don't use any kind of substance. For example, Akshay Kumar is the biggest example. He has been promoting all this stuff, no smoking, no drinking, non-alcoholic stuff, which is very good. But yeah.
डिप्रेशन कहीं भी, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड दैट नीड्स अ लॉट ऑफ बीइंग ग्राउंडेड एंड रूटेड टू योर अपब्रिंगिंग टू योर फैमिली एंड पीपल नॉर्मली ओवर हियर यू नो दे वांट टू काइंड ऑफ दे आर वर्कहोलिक्स सो समटाइम्स यू फॉरगेट योर फ्रेंड्स योर फैमिली एंड देन यू बिकम अ लोनर आफ्टर सम टाइम तो ये सारे डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड है जो लोगों को इतना नहीं पता बट यू नो व्हाट दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील आई माइट बी रॉन्ग कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कभी भी लाइफ में किसी भी स्टेज में डिप्रेशन में है तो उस समय तो खास करके नशे का सहारा नहीं लेना चाहिए एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस बिकॉज वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा वो आपको और डुबाएगा इनफैक्ट यू शुड लाइक यू नो ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर वे समथिंग यू लाइक समथिंग यू यू नो यू वांट टू गो वर्कआउट यू वांट टू गो ऑन अ वॉक गो साइकिल डू व्हाटएवर लिसन टू सम म्यूजिक वॉच सम मूवीज बट डेफिनेटली सब्सटेंस अब्यूज का सहारा नहीं लेना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टेक मेडिकल हेल्प यू नो डोंट शाय अवे फ्रॉम गोइंग टू द डॉक्टर डोंट शाय अवे फ्रॉम शेयरिंग दिस विद योर family that I am going through this and I need help that is very very important and it's also for people around you it's also for the family members who are watching this if you see that somebody in your family has become a loner is acting weirdly go talk to him and take medical help that is one big suggestion from us at Planet Bollywood Jungly Pictures presents Badhaai Ho ka trailer is finally out भाई सबसे पहले जंगली पिक्चर्स को बधाई हो बिकॉज आफ्टर द सुपर सक्सेस ऑफ बरेली की बर्फी एंड राजी नाउ दिस ट्रेलर लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी व्हाट अ कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू रिलेटेबल और यू नो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी जहां खुद शादी करके बच्चे पैदा करने की उम्र है वहां माँ बाप फिर से रोमांटिक होते जा रहे हैं आई मीन व्हाट अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड यू नो आई जस्ट लव्ड इट द वे पीपल विल रिएक्ट लड़की के यहाँ रिश्ता लेके जा रहे हैं लाइक Especially the cast. I mean, I'm very impressed with the cast that's there. Yeah. And Sania Malhotra bhi bahut achhi lag rahi hai in whatever, you know, we saw her act in the trailer. And Ayushmann, talking about Ayushmann, unki jo sari films hai, jaise ki Dam Laga Ke Haisha, he was seen in Shubh Mangal, Savdhan. Vicky Donut jaisa thoda sa touch aa raha hai yahan par. So it's quite interesting. Yahan par bhi, you know, we're going to see that side of Ayushmann. And punchlines bahut achhe hai. That aaj ke baad chitkani nahi lagaoge tum. So anyway, I'm looking forward to it. What about you? I mean, I'm really looking forward for this movie, Badhaai Ho, and ek baar phir se, Badhaai Ho aur Jungly Pictures ko Badhaai Ho, is kamal ke trailer ke liye. Picture release hogi 19th October 2018 ko, and we are really looking forward to it. Well, it's time for a short breather on Planet Bollywood, but don't go anywhere because we'll be back within a minute. So stay tuned. Planet Bollywood में अब बात करते हैं फैशन की एंड वी स्पॉटेड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज इन टाउन सबसे पहले बात करेंगे फ्रीडा पिंटो की हु लुक्ड रियली एलिगेंट इन हर फ्रेंच ब्लैक एंड रेड ड्रेस विद लेस डिटेल स्लीव्स एंड ब्लैक पंप्स हेयर टाइड बिहाइंड रेड लिपस्टिक बट आई ओनली विश कि इस ड्रेस में या तो बेल्ट होता या एक थोड़ी सी बॉडी हगिंग स्ट्रक्चर हो मिलती तो शी वुड हैव लुक्ड रियली रियली प्रिटी बट ओवरऑल आई रियली लाइक्ड हर ड्रेस एंड हाउ शी कैरिड इट Talking about Isha Deol, she was looking really elegant in a white gown with red floral details and bell sleeves. She paired it with hoops and nude block heels to edge the look. Hair let down with curls, looked really, really amazing with minimalistic accessories. Ritesh Deshmukh was spotted in a chilled out avatar. He was wearing a sky blue shirt paired with sky blue denims and grey sneakers and a black watch to complete the look. वहीं राजकुमार राव ही लुक्ड उबर कूल इन हिज पैंथर चेस्ट प्रिंट टी विद ब्लू रिप डेनिम्स ब्लैक स्नीकर्स बैकपैक एंड सनीज ऑल सेट टू गो बोर्ड दैट फ्लाइट सैफ अली खान एंड करीना कपूर दे वर स्पॉटेड टुगेदर एट द एयरपोर्ट सैफ वाज वेयरिंग अ नेवी ब्लू शर्ट विद व्हाइट पैंट्स पेयर्ड विद अ रेड बैंड ऑन हिज हैंड एंड ब्राउन शूज व्हाइल करीना कपूर वाज स्पॉटेड वेयरिंग अ लाइट ब्राउन एम्ब्रॉयडर्ड टॉप with tassels detailing and puff sleeves paired with blue shaded pants and shoes and black gloves. On that note, we give all our celebrities a big thumbs up from Zoom and Myntra. All right, Kunal, we're just going to end the show. Can't you wait for a few minutes before using your phone? Saga, hang on, yaar. Actually, मैंने रणवीर सिंह को ना एक red sexy bomber jacket पहने हुए देखा था, and I want that jacket. Anyhow. Yeah, so just go to the Zoom store on Myntra and you'll find all the options your celebs are wearing. Really?
really okay guys let me tell everybody this now whatever you see on zoom style by Myntra is actually shoppable and what we wear on planet bollywood every week is also shoppable so if you like our looks or anything that you see on zoom style by Myntra then go to zoom store on Myntra and shop it by the way let me tell you what are we wearing today well I'm wearing a pink t-shirt and I've layered it with blue jacket blue jeans and black shoes Well, I'm wearing a spaghetti top with polka skirt from Forever 21 and heels by Dressberry and I'm super comfortable in what I'm wearing. So if you like our looks, then go to the Zoom store on Myntra app and get some cool looks for yourself. I'm Kunal Saluja signing off. And this is me, Sagarika Chetri. We'll see you tomorrow, same time, same place at 7 p.m. only on Zoom Style by Myntra.